है, मैं अपने पति को, मैं अपने बच्चे को रेडी पे नहीं, मैं कर सकती हूँ, मैं धूप में खड़ी हूँ। पागल ने इतनी कंट्रोवर्सी करी कि उसने अपनी जगह बिग बॉस में बना ली। एक कमाल की बात बताऊं, आज भी वो अपना बड़ा पाव एक थैली पर ही बेचती है। कुछ महीने पहले उसने मस्टैंग कार में भी बेचा था। एक मस्टैंग कार का रेंट होता है 5,000, इनके पास देने के लिए 1.5 लाख तो है पर 80,000 की दुकान नहीं। तेरह दिसंबर सन 2023 यूट्यूब पर एक चैनल रजिस्टर हुआ एक्सप्लोर विद चंद्रिका। यूट्यूब पर इतना अच्छा रिस्पांस नहीं मिला, इनकी फाइनेंशियल कंडीशन इतनी खराब हो गई थी कि इन्होंने अपनी जॉब छोड़कर एक ठेला लगाना सही समझा। पर यहाँ से भी कोई अच्छा रिस्पांस मिल नहीं रहा था। पर तभी इनकी लाइफ में एंट्री हुई फूड ब्लॉगर की और यहाँ से इनकी पूरी जिंदगी चेंज हो गई। फिर वहाँ से इनके ऊपर एक वीडियो बनी, दो वीडियो बनी, तीन वीडियो बनी, चार वीडियो और आज ये बिग बॉस में है। आपने एक चीज नोटिस करी, जब भी लोग इन्हें भूलने वाले होते हैं इनकी वीडियो वापस ट्रेंड में आ जाती है। इसका मेन कारण है इनकी कॉन्ट्रोवर्सी। कोई इनकी दुकान तोड़ देता है, कोई इनसे लड़ाई करता है, कभी तो ये जेली चली जाती हैं, जिसकी वजह से ये सोशल मीडिया पे अपनी वैल्यू बनाए रखती हैं। वड़ा पाव गर्ल इससे कई गुना ज्यादा समझदार है, वो सोशल मीडिया से सिर्फ 10 से 12 लाख रुपए जनरेट करती है। एलविस यादव फुकरा इंसान जितना इन्होंने अपनी पूरी लाइफ टाइम में कमाया था ना, उतना बिग बॉस से आने के बाद 15 दिन में कमाया था। और यही काम वड़ा पाव गर्ल भी करेगी, जितना उसने पूरी लाइफ टाइम में कमाया होगा उतना वो सिर्फ 15 दिन में कमा लेगी। इनके यूट्यूब पे 2 लाख से भी ज्यादा सब्सक्राइबर है और ये अपने चैनल पे सिर्फ शॉर्ट्स वीडियो डालती है, लॉन्ग वीडियो नहीं, इसीलिए ये यूट्यूब से सिर्फ 1 लाख रुपए जनरेट करती है। सबसे ज्यादा पैसा इनके दुकान से आता है, इनका एक वड़ा पाव 50 रुपए का मिलता है। इनकी दुकान के बाहर इतनी भीड़ लगी रहती है, एक दिन में अगर 1,000 बंदे भी खरीदते हैं तो भी ये दिन के 50,000 से ज्यादा कमाती है और महीने के 1.5 लाख से भी ज्यादा, और लास्ट ईयर के आप खुद ही कैलकुलेट कर सकते हो। और यूट्यूब से ज्यादा पैसा तो ये अपने इंस्टाग्राम से कमाती है, इंस्टाग्राम पे 3,80,000 से भी ज्यादा फॉलोअर्स है। इंस्टाग्राम पे ब्रांड प्रमोशन, सट्टा वाले ऐप, इन सब चीजों से वो लाखों में कमाती है। सट्टे वाले ऐप का प्रमोशन करना कोई गलत बात तो नहीं है, पैसा आपका डूबेगा उनका नहीं। जाइए 1 से 2 लाख रुपए जनरेट करती है। पर ये जरूर बता के जाना कि आप बिग बॉस में किसको सपोर्ट कर रहे हो, वड़ा पाव वाली गर्ल को तो नहीं।